तो हाय गाइस, कैसे हो? हाइक सब बढ़िया होंगे। चलो फाइनली गाइस आ चुके हैं भाई इंडिपेंडेंस रिलीज 3-2 एंड साथ में खेल खेल में एंड साथ में भाई बेदा, तीनों मूवीज अपने डे नंबर वन में क्या कलेक्शन है भाई इसको करती हुई दिखाई है वो दे रही है, कितना नंबर है वो आता हुआ दिखाई है वो दे रहा है, आफ्टरनून एंड इवनिंग के शोज हैं वो किस तरह के गए हैं, कई सारे मूवीज के भाई रिकॉर्ड्स हैं वो ध्वस्त कर दिए। स्पेशली फॉर 3-2 की बात करें भाई, फीमेल लीड रोल में श्रद्धा कपूर, कहना होगा कि आज के दिन भाई शोज है वो टोटली ऑफ, हमें ऑरेंज है वो दिखाई दिए है, मल्टीप्लेक्स हो या फिर भाई सिंगल स्क्रीन हो, मुंबई हो, दिल्ली NCR हो या फिर उत्तर प्रदेश क्यों ना हो, इवन आप बेंगलुरु ले लो, कर्नाटका, ये तमिलनाडु ले लो, जितने भी शोज मिले थे, इवन आप ये एपी तेलंगाना ले लो, काफ़ी अच्छा भाई 3-2 ने बिजनेस है वो किया है। मतलब कि साउथ के भी एक दो प्रोजेक्ट है भाई रिलीज हुए हैं, बट कहना होगा कि 3-2 को जितने भी शोज मिले थे भाई वो हाउसफुल रखने में कामयाब है वो हुए, इवन रिव्यू भी काफ़ी अच्छे निकल के सामने आए, तो कहना होगा कि ये लंबी रेस का घोड़ा है, इतना जल्दी ये थिएटर से नहीं उतरने वाले और 300 करोड़ प्लस भाई नेट जाना तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही है। चलो अब देख लेते हैं सभी भाई कितना बिजनेस है वो करते हुए दिखाई दे रही है। सबसे पहले भाई इस 3-2 की बात ही कर लेते हैं, 55% मॉर्निंग ऑक्युपेंसी, आफ्टरनून की 84, इवनिंग 85। मैंने क्या बताया था भाई दिन वाले एपिसोड में, इवनिंग एंड आफ्टरनून की ऑक्युपेंसी 80 प्लस जाती है तो मामला 45 टू इवन 50 CR को भाई टच है वो हो सकता है। लेट्स सी गाइस, अभी देखते हैं कि नाइट के शोज है वो हमें किस तरह देखने को मिलते हैं। चलो भाई अब मूव करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सिटी वाइज देख लेते हैं, इवनिंग एंड आफ्टरनून क्या ऑक्युपेंसी हमें देखने को मिली है। मुंबई में 1062 शोज हैं एंड इवनिंग की 91% ऑक्युपेंसी, जो कि भाई आफ्टरनून की नियरली 92 के आसपास, मतलब कि 90 से ज़्यादा हमें ऑक्युपेंसी देखने को मिली है इवनिंग एंड आफ्टरनून में, मतलब कि मैक्सिमम मेरे भाई शोज है वो हाउसफुल गए हैं। एंड नेक्स्ट दिल्ली NCR देखोगे 1170 शोज है, आफ्टरनून 96, इवनिंग 94। हमने भाई यही सीन सिनेरियो इंडिपेंडेंस गदर 2 का टाइम देखा था, यही ऑक्युपेंसी 90, 92, 95, 96 एंड सेम अभी भाई 3-2 ऐसा कमाल धमाल है वो करती हुई दिखाई दे रही है, आउटस्टैंडिंग मेरे भाई, जितनी तारीफ करे उतनी ज्यादा कम है। पुणे 440 शोज, आफ्टरनून 88, इवनिंग 88। भाई 88 की 90 ऑक्युपेंसी कहना आसान है, बट लाना उतना ही डिफिकल्ट है भाई, नहीं ट्रस्ट होता तो अक्षय कुमार को पूछ लो क्या हाल चल रहा है। नेक्स्ट भाई बेंगलुरु 275 शोज है, आफ्टरनून 93 एंड इवनिंग 98। भाई कितना बेंगलुरु सिटी में इवनिंग 98% ऑक्युपेंसी, मतलब कि एक थिएटर नहीं भाई एक सीट आपको खाली दिख जाए तब भी बड़ी बात है, ये कुछ हमें ऑक्युपेंसी देखने को मिली है। चेन्नई इवनिंग 92, जो कि इवनिंग 95%। भाई साउथ स्टेट्स में ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है भाई और क्या ही चाहिए, वो भी भाई श्रद्धा कपूर। लखनऊ 255 शोज हैं, आफ्टरनून 97 एंड यहाँ पे इवनिंग नियरली 89% ऑक्युपेंसी, मतलब हर एक प्लेस में आफ्टरनून एंड इवनिंग की ऑक्युपेंसी 80 से लेके 98 के आसपास है, 80 से ज़्यादा है भाई, आउटस्टैंडिंग, जितनी तारीफ करें भाई उतनी ज़्यादा कम है। तो डे नंबर वन में भाई क्या बिजनेस है वो आ सकता है, देखो एज अ नो मुझे जो सिचुएशन दिख रही है तो कहीं ना कहीं 45 करोड़ के आसपास नेट बिजनेस दिख रहा है, जी गाइस 45 CR नेट दिख रहा है, आज की बात कर रहे हैं, कल का जो स्पेशल शोज थे वो नंबर हम इसमें इंक्लूड है वो नहीं कर रहे हैं, तो 45 CR के आसपास नेट, तो 8.5 करोड़ के आसपास स्पेशल शोज, मतलब कि ये नंबर जाएगा कहीं ना कहीं 53 CR के आसपास। हाँ ये जो मैंने आपसे को 45 बताया इसमें 2-3 करोड़ नंबर है वो आगे पीछे हो सकता है। एंड वर्ल्ड वाइड कल मेकर्स भाई ऑफिशियली पोस्टर छाप सकते हैं 70 से लेकर 75 करोड़ के आसपास, जहाँ गाइस 70 से लेकर 75 करोड़ वर्ल्ड वाइड ऑफिशियली नंबर है वो हमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव 70 से लेकर 75 करोड़ ओपनिंग ले रहे हैं, इसका मतलब कि भाई एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे पिक्चर ने भाई क्रिएट किया। इवन आप इंडिपेंडेंस देखोगे हाईएस्ट ओपनिंग भाई 3-2 के पास ये रिकॉर्ड अब जा चुका है, अब किसी के लिए ये तोड़ना इतना ज़्यादा इजी नहीं होगा। हाँ वार 2 आगे आ रही है, हम सभी को पता है भाई वो रिकॉर्ड इजीली तोड़ देगी अगर कंपटीशन नहीं मिला, मतलब क्लैश नहीं हुआ, क्लैश होगा अभी तब भी वो अच्छा आसा भाई बिजनेस अपन निकाल के जाएगी। तो 70 से लेकर 75 तक तो भाई इजीली हमें दिख ही रहा है वर्ल्ड वाइड, और लेट्स सी कल भाई मेकर्स हमें क्या ऑफिशियली फिगर है वो देते हैं। एंड मूवी मैक्स में एक नया रिकॉर्ड है भाई क्रिएट किया है 3-2 ने, मूवी मैक्स में हाईएस्ट बिजनेस किया अपने डे नंबर वन में, फिलहाल अभी फाइनल तो नहीं है, 1.25 CR के आसपास हमें एस्टिमेट दिख रहा है, सम बाई इतनी फिगर आ सकती है।
काफी अच्छा अमाउंट है। इससे पहले एनिमल के नाम ये रिकॉर्ड था 1.09 crore, नेक्स्ट जवान 87 lakh, पठान 79 lakh, गदर 271 lakh, ऑल ऑफ रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए। अपने नाम एक नया रिकॉर्ड, एक नया इतिहास है भाई वो लिखा है स्त्री टू ने। किसने सोचा था कि भाई स्त्री टू भाई पठान, जवान, एनिमल, गदर टू जैसे पिक्चरों भाई ओवरटेक करेगी? भाई मुझे पूछोगे तो मैंने कभी नहीं सोचा था, बट यहाँ पे स्त्री टू ने भाई ऐसा कमाल धमाका भाई वो करके दिखाया है। अब बात करते हैं भाई हमारे अक्षय कुमार जी और साथ में जोर अब्राहम भाई क्या कर रहे हैं, क्या बिजनेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो 16% मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी, खेल खेल की बात कर रहे हैं, आफ्टरनून 48, इवनिंग 54। हाँ आफ्टरनून मॉर्निंग को छोड़ के आफ्टरनून इवनिंग काफ़ी अच्छी हमें ऑक्यूपेंसी है वो देखने को मिली है। मुंबई, दिल्ली NCR हो गया, पुणे हो गया, लखनऊ हो गया, यहाँ पे इवनिंग एंड आफ्टरनून के शोज़ काफ़ी अच्छे गए। इवनिंग मतलब कि नाइट के शोज़ भी अच्छा खासा हमें एडवांस है वो देखने को मिल रहा है। तो क्या नंबर आ सकता है? देखो अभी खेल खेल की बात करें तो 5 crore से लेके 5.50 crore के आसपास दिख रहा है, 5 to 5.5 crore के आसपास हमें नेट फिगर है वो हमें देखने को मिल सकती है, जो कि बेदा की बात करें तो 6.5 to 7 crore के आसपास। तो बेदा तो चलो भाई ठीक है, हम इस चीज़ को भाई एग्री कर देते, कोई बात नहीं कर रहा था भाई इस पिक्चर की, एंड जोन अब्राहम चलो ठीक है, बट खेल खेल की बात करें भाई मल्टी स्टारर है, वानी कपूर है, तापसी पन्नू, अक्षय कुमार, अमी बिरक, मल्टी स्टारर एंड क्या बिजनेस कर रही है हॉलीडे में 5.5 to 6 crore, 5 to 5.5 crore, चलो 50 lakh और इर्द गिर्द पकड़ लो, सम भाई फिगर जा सकती है। ये कुछ भाई बिजनेस आ रहा है, मतलब कि डिसास्टर रिस्पॉन्स मिला अपने डे नंबर वन में, एंड मात्र एक अक्षय कुमार उनकी आज की जो पिक्चर है भाई जिसमें शोज है वो हमें ग्रीन है वो देखने को मिल रहे हैं। इवन पर हावर टिकट्स बुक माई शो में बेदा से कम बिक रहे हैं, भाई क्या हो गया अक्षय कुमार को? आफ्टर कोविड हर एक जोनर्स भाई अक्षय कुमार ट्राई कर चुके हैं, वट डिसास्टर भाई उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, डिसास्टर वट डिसास्टर। और एज आई नो ये ओपनिंग भाई डिसास्टर है, ये एक नॉर्मल फ्राइडे में पिक्चर आती तो भाई 2 crore ओपनिंग लग जाता तब भी बड़ी बात थी, 2 crore के आसपास काफ़ी मुश्किल था, मतलब कि सेल्फी का रिकॉर्ड ये पिक्चर तोड़ देती। सिर्फ भी बता रहा हूँ मैं जो आज की सिचुएशन हमें दिख रही है इस पिक्चर की। भाई हॉलीडे, इंडिपेंडेंस डे मेरे भाई, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में हमें छुट्टी देखने को मिलती है और पिक्चर क्या बिजनेस कर रही है 5 to 5.5, 90 के स्टार अक्षय कुमार है, ये कोई अर्जुन कपूर नहीं है कि 5 to 5.5। मेरे ख्याल में अर्जुन कपूर आते ही शायद इंडिपेंडेंस वो भी 5 crore के आसपास बिजनेस कर सकते थे, एंड अक्षय कुमार बिलीव नहीं होता है मेरे को भाई ये क्या चल रहा है। काफ़ी दुख होता है यार ये सब नंबर देकर, एंड ये सब हम बोलते हैं, सब बोलते हैं यार क्या बोल रहे तुम अक्षय कुमार के बारे में, तुम हेटर्स हो भाई, जरा सोचो भाई 10 मिनट सोचो बैठ के, 90 के स्टार इंडिपेंडेंस डे 2024 में 5.5 crore ओपनिंग दे रहे हैं, क्या हो गया है भाई आपको, क्या हो गया है? मैं भाई क्या ही बताऊँ, अब क्या बताऊँ यार, कुछ वर्ड ही नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। काश भाई इस पिक्चर के बजाय यहाँ पे अक्षय कुमार अपने स्काई फोर्स रिलीज करते ना, थोड़ा हमें पैट्रियोटिज्म नज़र आता, इंडिपेंडेंस में देशभक्ति नज़र आती, तो या पिक्चर थोड़ी बेटर परफॉर्म कर सकती थी। यहाँ पे कहना होगा कि अक्षय कुमार ने एक बड़ी गलती की है, वो कॉमेडी लेके आ रहे हैं इंडिपेंडेंस वीकेंड में। अब चलो यहाँ पे स्त्री टू भाई एक हॉरर है, देख लो क्या बिजनेस आ रहा है। फिलहाल अभी के लिए तो इतना ही, आयुक्त सभी को भाई अच्छे समझ में आ गया होगा, बाकी मिलेंगे सुबह फाइनल, देखते हैं हमें क्या नंबर है वो देखने को मिल सकता है और डे नंबर टू में हमें क्या बिजनेस है वो करते हुए दिखाई है वो दे सकती है। कल वैसे भी नंबर गिनने वाला है, क्या कल 2.5-3 crore बिजनेस करेगी खेल खेल में? कल चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।